नमस्कार दोस्तों, वैसे शायद आपको पता होगा अगर आप एक आदिवासी है तो 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी के दिन को हर साल पूरी दुनिया में आदिवासी लोग धूमधाम से मनाते हैं। जिस तरह होली दिवाली के त्यौहार को लोग पूरी धूमधाम से मनाते हैं, कुछ उसी तरह 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी के दिन को आदिवासी लोग पूरे धूमधाम से मनाते हैं। हर एक गली हर एक मोहल्ले में आपको आदिवासी लोग मिल जाएंगे हजारों की संख्या में, और बड़े बड़े कुछ शहरों में भी आपको हजारों की संख्या में लोग मिल जाएंगे। बैंड बाजा बजाएंगे, डीजे बजाएंगे और तरह तरह का कुछ नृत्य भी करेंगे अपनी आदिवासी परंपरा के हिसाब से। ना जाने कहीं लोग दूर दूर से आते हैं इन आदिवासी सम्मेलन में भाग लेने के लिए। कहीं दूर से, कहीं हजारों किलोमीटर से लोग आते हैं अपने गली मोहल्ले में, अपने शहर में इस त्यौहार को मनाते हैं। सभी आदिवासी लोग इकट्ठा होकर भागीदार बनते हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हर साल विश्व आदिवासी दिवस को आखिर क्यों मनाया जाता है, 9 अगस्त को आखिर क्यों मनाया जाता है, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ कि हर साल आदिवासी दिन को आदिवासी लोग पूरे धूमधाम से क्यों मनाते हैं। वैसे इस बात को आपको जानना ही चाहिए अगर आप एक आदिवासी है तो। अगर आप एक आदिवासी होकर इस बात को नहीं जानेंगे, ये बात आपको पता नहीं होगी कि हर साल आदिवासी दिन को क्यों मनाया जाता है, हर साल 9 अगस्त को आदिवासी लोग पूरे धूमधाम से पूरी दुनिया में क्यों मनाते हैं, अगर शायद आपको नहीं पता होगा तो फिर आदिवासी होने का मतलब ही क्या होता है। तो फिर दोस्तों, वीडियो में आप एंड तक जरूर से बने रहिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। वैसे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज सब कुछ आम लोगों से अलग होता है। वैसे आदिवासी समुदाय के लोगों की भाषाएं, संस्कृति, त्यौहार, रीति रिवाज और पहनावा सब कुछ अन्य समाज के लोगों से अलग होता है। वैसे आदिवासी समाज के लोगों का मुख्य आहार आज भी पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ है। उनके धर्म, उनके त्यौहार आज भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। दुनिया भर में 500 मिलियन के करीब आदिवासी रहते हैं और 7000 भाषाएं बोलते हैं और 5000 संस्कृतियों के साथ दुनिया के 22% भूमि पर यानी जमीन पर उनका कब्जा है, यानी हमारा कब्जा है। बहुत खुशी हो रही है इस बात को सुनकर, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक आदिवासियों की संख्या आज भी समय के साथ घटती जा रही है। आज भी आदिवासी समाज के लोग अपना अस्तित्व, संस्कृति और सम्मान को बचाने के लिए आदिवासी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। इसकी मेन वजह यह है कि आज जंगल घटते जा रहे हैं, जंगल को काटा जा रहा है, आदिवासियों की जमीनें छीन लिया जा रहा है और आदिवासियों को अपने ही जंगल और पर्यावरण, समाज और संस्कृतियों से दूर किया जा रहा है। फिर ऐसे मामलों में आदिवासियों की संख्या कम नहीं होगी तो फिर क्या होगा? और कहीं जंगल में खेती करते हुए पर्यावरण और अपने समाज के साथ ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाले आदिवासी लोग कहीं शहरों में किसी भिखारी की तरह एक गरीब की जिंदगी जिया करते हैं। इसलिए हमारे समाज या समाज के लोगों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को हमें रोकना होगा। हमें अपने समाज के लिए एक होना होगा, लड़ना होगा, तभी हम लोग अपने आदिवासी समाज में हो रहे अत्याचार को रोक सकते हैं। नहीं तो फिर हर स्टेट के हर उस आदिवासी क्षेत्र में मणिपुर जैसी हालत हो सकती है। वैसे हमारे धरती आबा यानी बिरसा मुंडा, भगवान, टांटिया मामा, ये सभी लोग अपने समाज के लिए लड़े, अपने समाज के लोगों के लिए लड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए, और हम सभी इनके ही वंश से अब हमारी बारी है अपना कर्तव्य निभाने की। तो हम बिरसा मुंडा के, टांटिया मामा के वंश होकर इतना नहीं कर सकते, अपने समाज में हो रहे अत्याचार को नहीं रोक सकते तो फिर और हम लोग क्या ही कर सकते हैं। वैसे आदिवासियों की भाषा, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज और जोड़ जंगल जमीन और ये प्रकृति ही उनका जीवन है, और उनकी वजह से ही आज पर्यावरण सुरक्षित है। साल 2016 में 2680 ट्राइबल भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर थी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने इन भाषाओं और इस समाज के लोगों को समझने और समझाने के लिए पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी वर्ष घोषित किया गया था।
वैसे मानव अधिकार के संवर्धन और संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह के मूल निवासी और आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक 9 अगस्त 1982 में थी और तभी से आज तक हम लोग 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिन को मनाते आए हैं। वैसे दिसंबर 1994 में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी वर्ष घोषित तो किया गया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र कार्यों की पहली बैठक 9 अगस्त 1982 में थी और उस दिन से हम लोग सभी आदिवासी 9 अगस्त के दिन को त्यौहार की तरह धूमधाम से मनाते हैं। वैसे तो अमेरिका में भी पहले आदिवासी दिवस की जगह कोलंबस दिवस मनाते थे, लेकिन 1977 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में कोलंबस दिवस की जगह आदिवासी दिवस मनाने की मांग की गई और तभी से अमेरिका में भी कोलंबस दिवस की जगह आदिवासी दिवस मनाने लगे हैं। वैसे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, वहाँ पर आपको किसी और समाज के लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन आदिवासी आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आदिवासी दुनिया के हर एक देश के हर एक कोने में रहते हैं। वैसे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इस देश का मालिक भी आदिवासी ही है। आप अगर गूगल में जाकर सर्च करोगे कि रियल ओनर ऑफ इंडिया तो वहां पर भी बड़े अक्षरों में एक नाम लिखा आएगा, आदिवासी तो रियल ओनर ऑफ इंडिया, यानी इस देश का मूलवासी आदिवासी ही है। तभी तो मुझे गर्व है कि मैं एक आदिवासी हूँ। जय हिंद, जय आदिवासी।